up till now we have studied definitions of various enthalpy changes, जिसमें enthalpy change of formation, combustion हमने recall किया था, ionization energy recall किया था, then we studied about enthalpy change of atomization, electron affinity, standard enthalpy change of neutralization की definition recall की थी, इसमें वो भी देखी होती है हमने. अच्छा फिर हमने उसके बाद जो न्यू टाइप ऑफ इंथैल्पी चेंज एक और डिस्कस किया था वो था लैटिस एनर्जी और लैटिस इंथैल्पी दैट इज रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड्स राइट. इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. देन वी चेक हाउ टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एनी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड और उसकी जो हम साइकिल बनाते हैं उसके हैसिस लॉ को एक स्पेशल नाम दिया जाता है दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल. हमने बॉर्न हेबर साइकिल यूज करके लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी फॉर आयनिक कंपाउंड्स हमने निकाला था. अच्छा आज अब बाकी का जो काम है इस चैप्टर में वो है थ्योरेटिकल सारा. तो आज जो है हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे. उसके बाद इसमें इस चैप्टर का एक और पोर्शन है इंट्रोपी के नाम से, तो हम इंट्रोपी पढ़ेंगे. अभी तो नहीं आज की क्लास में, तो हम लोग कुछ थ्योरेटिकल काम देखेंगे. ये चैप्टर जो है वो रिलेटिवली ईजी है बाकी चैप्टर से. अब आपने करना क्या है, इसमें थ्योरेटिकल काम बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में. जो चीजें आपको अभी बताई जाएंगी वो आपको याद करनी है, क्योंकि वो एज इट इज वैसे ही पूछ रहा होता है चीजों को. एनीवेज अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी. अब लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे लैटिस एनर्जी कम या ज्यादा होती है. अच्छा हमने जो लैटिस एनर्जी पढ़ी है ना वो लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ी है या लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी पढ़ी है. इसमें आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है तो लैटिस एनर्जी हमारे लिए हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, हमेशा नेगेटिव ही होगी. लैटिस एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है. ठीक है लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी एंथैल्पी चेंजेस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं और कौन से सिर्फ एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होते हैं. तो फिलहाल हम लोग अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पीज. लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी. अच्छा हमने इनिशियली ये देखा था कि आयनिक कंपाउंड जैसे अगर इफ वी टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की जब लैटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आता है कि व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस. ठीक है सोडियम क्लोराइड सॉलिड, तो इसकी जो लैटिस एंथैल्पी आती है हमारे पास वो आती थी -787 kJ/mol. ऑन द अदर हैंड इफ वी सी द लैटिस एंथैल्पी फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज आल्सो एन आयनिक कंपाउंड. डिफरेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में जो कैटाइन है मैग्नीशियम आयन उस पर 2+ का चार्ज है और जो सोडियम आयन है उस पर +1 का चार्ज है. इसकी जो लैटिस एंथैल्पी आ रही है वो आएगी आपकी, इसकी वैल्यू होती है -2526 kJ/mol. अब क्लियरली लैटिस एंथैल्पी फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोर एक्सोथर्मिक एज कम्पेयर टू लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये मोर नेगेटिव है. और लैटिस एंथैल्पी जब मोर नेगेटिव होती है तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका जो आयनिक लैटिस होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, कि उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन्स एंड एनाइन्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं जब लैटिस एंथैल्पी मोर एक्सोथर्मिक होती है. तो हमें ये डिस्कस करना है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी है इट इज मोर नेगेटिव, बट व्हाई इट इज मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड. वी हैव टू डिस्कस दोस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द लैटिस एंथैल्पी. तो एक फैक्टर तो हमें यहीं पे दिख रहा है चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज है और मैग्नीशियम आयन पे +2 चार्ज है. तो चार्ज ऑफ आयन चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो एक रोल प्ले करेगा इन द वैल्यू फॉर लैटिस एंथैल्पी. ऐसा ही है ना, यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है हमें कि क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, क्लोराइड तो दोनों में ही है, सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन में चार्ज का फर्क है. ठीक है तो एक आपने पास स्टेटमेंट लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी magnitude of lattice energy और इसको हम lattice enthalpy भी कहते हैं depends on the
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन है आयनिक कंपाउंड में, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइंस. अब ये फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक होगी. स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इन सिंपलर वर्ड्स इसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो मतलब आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोर एक्सोथर्मिक. अच्छा, मोर एक्सोथर्मिक को हम लोग मोर नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है ना, जितने ज्यादा नेगेटिव है मतलब उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक भी है. मोर नेगेटिव इज दी लैटिस एंथैल्पी. दो फैक्टर्स हैं हमारे पास दैट कैन अफेक्ट लैटिस एंथैल्पी, एक तो साइज ऑफ आयन हो जाएगा और एक चार्ज. चार्ज ऑफ आयन अभी हमने देखा, कंपेयर किया ना सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन को प्लस वन और प्लस टू की वजह से. दूसरा हो जाता है आपका साइज ऑफ आयन. अब साइज ऑफ आयन को भी डिस्कस कर लेते हैं. पहले साइज ऑफ आयन को डिस्कस कर लेते हैं, आगे कर लूं यहां तक लिख लिया. देखो ये हैंडआउट्स में आपके पास लिखा हुआ जरूर है, बस आप ट्राई करा करो कि कीवर्ड जरूर लिखा करो अपने पास अभी क्लास लेते हुए. बच्चों आगे बढ़े. जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ आइंस. अब साइज ऑफ आइंस में हम दोनों की बात करेंगे, कैटाइन की भी बात करेंगे और एनाइन की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही अफेक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को. अब मेरा आपसे ये सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर साइज ऑफ आइन इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी, या आप चलो सिंपलर वर्ड्स में सोचो, साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन को कंसीडर करना है ना, पहले तो मुझे ये बताओ कि सोडियम आयन का साइज बड़ा होगा या मैग्नीशियम आयन का साइज बड़ा होगा. आगे एल्यूमिनियम आयन भी लगा देते हैं, आप कैसे डिटरमिन करोगे कि किस आयन का साइज बड़ा है किसका छोटा है. जवाब चाहिए मुझे, फिर आगे पढ़ेंगे. एहसन चलो आप बताओ. एहसन, मावीन, आमना, फरहान, तहमीना. अच्छा कैसे कंपेयर करते हो साइज को? सोडियम आयन विल बी द लार्जेस्ट. देखो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज, आयनिक साइज की चलो बाद में बात कर लेते हैं. आपने एक चीज ये तो पढ़ी हुई है ना अक्रॉस द पीरियड पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये पीरियड थ्री के एलिमेंट्स हैं सारे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. इफ वी मूव अक्रॉस द पीरियड ऑन अ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. ठीक है, और एएस में इसका रीजन भी पढ़ा था हमने.
बिकॉज अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही है ना, क्योंकि अगर ये पीरियड थ्री के एलिमेंट्स हैं तो पीरियड थ्री में क्यों है, क्योंकि सबके पास थ्री प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स हैं। लेकिन एज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बट शील्डिंग इफेक्ट स्टेज कॉन्स्टेंट ड्यू टू कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ शेल्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस अगर स्ट्रॉन्गर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड हमेशा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। याद आ गया, न्यूक्लियर पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये जो एरो अपवर्ड मैं बना रहा हूँ इसका मतलब इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट शील्डिंग इफेक्ट स्टेज कॉन्स्टेंट, एज नंबर ऑफ शेल्स स्टेज सेम। ठीक है, तो सोडियम आयन है, सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो उसका साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आई होप ये बातें याद हैं, नहीं तो रिकॉल करनी है आपको ऐसे। फिर अगर मैग्नीशियम एटम की बात करेंगे तो उसका साइज छोटा होगा, एल्यूमिनियम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं ना, तो एल्यूमिनियम का साइज इन सब में छोटा होगा। अब अगर इनके कैटाइन्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सेम थिंग, सोडियम इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो थर्ड शेल है वो खत्म हो जाएगा, तो सोडियम आयन विल बी लेफ्ट विद टू शेल्स ओनली। ठीक है, और जो मैग्नीशियम आयन है उसके पास भी सिर्फ दो शेल्स रह जाते हैं, और जो एल्यूमिनियम आयन है उसके पास भी दो शेल रह जाते हैं, क्योंकि आउटर शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साइज और एटॉमिक साइज भी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, और कैटायनिक साइज भी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज ही होता है। ठीक है, तो आप अपने पास ये जरूर याद रखो, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है A2 में, जैसे AS में होती थी वैसे A2 में भी आ सकती है। अक्रॉस द पीरियड कैटायनिक साइज डिक्रीजेस। क्लियर है बात यहाँ तक? परान मावी टैमिना अच्छा, अब देखो हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ आयन किस तरह से लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो अब आपको मैथमेटिकल वैल्यूज जो गिवन है, अब आपको ये पता है कि जो सोडियम आयन है उसका साइज जो है वो बड़ा है, मैग्नीशियम आयन का साइज जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी जो है वो मोर एक्सोथर्मिक है, मोर नेगेटिव है, और सोडियम क्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो लेस एक्सोथर्मिक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी जो होगी वो लेस एक्सोथर्मिक होगी, राइट? अच्छा, हम ना इंक्रीज और डिक्रीज की टर्म्स में बात करने के बजाय मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव या लेस एक्सोथर्मिक मोर एक्सोथर्मिक ऐसे बात करेंगे। देखो, अगर हम ये कह रहे हैं ना, ये इसकी आदत डालनी है, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि हम दो आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, लैटिस इंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड लैटिस इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की लैटिस इंथैल्पी है -7।
मैग्नीशियम क्लोराइड की लाइटेस्ट एंथैल्पी है -2526 किलो जूल पर मोल। तो आप सिंपल इस टर्म्स में बात करोगे कि ग्रेटर किसकी है, तो वो लैटिस एनर्जी, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है उतनी ज्यादा ग्रेटर होती है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग के भाई मैग्नीशियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, तो फिर कंफ्यूजन आता है कि हम मोर पॉजिटिव को ग्रेटर बोले या मोर नेगेटिव को ग्रेटर बोले। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि लैटिस एनर्जी और मैग्नीशियम क्लोराइड मोर पॉजिटिव है या सोडियम क्लोराइड मोर पॉजिटिव है, पहले तो अपनी ये टर्मिनोलॉजी सेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि जो आप चीज लिख रहे हो क्या लिख रहे हो। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन, तो मोर नेगेटिव लैटिस एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज मोर नेगेटिव, और लेस नेगेटिव सोडियम क्लोराइड की होगी। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव साइन बात करोगे तो मोर पॉजिटिव कौन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड इज मोर पॉजिटिव, और लेस पॉजिटिव मैग्नीशियम क्लोराइड की हो जाएगी -2526 वाली वैल्यू। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बात करेंगे तो -2526 वाली वैल्यू जो होगी वो मोर एक्सोथर्मिक कहलाएगी, और लेस एक्सोथर्मिक फिर कौन कहलाएगी? -786 वाली वैल्यू, 787 वाली वैल्यू। सिमिलरली अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोर एंडोथर्मिक और लेस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो मोर एंडोथर्मिक कौन सी होगी जो लेस एक्सोथर्मिक है? लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी मोर एंडोथर्मिक एंड मैग्नीशियम क्लोराइड वुड बी लेस एंडोथर्मिक। देखो आप एक वक्त में कोई एक ही तरह से बात करोगे ना, आपको ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप एंडो भी बताओ, मोर एंडो कौन सी है, मोर एक्सो कौन सी है, मोर पॉजिटिव या लेस पॉजिटिव कौन सी है। अभी मैं जो चीज लेके चल रहा हूँ ना, मैं बात करना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि लैटिस इंथैल्पी होती है एक्सोथर्मिक है, होती नेगेटिव है। तो या तो हम बात करते हैं नेगेटिव की टर्म्स में, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, या हम बात कर लेते हैं अभी मोर एक्सोथर्मिक और लेस एक्सोथर्मिक। अगर आप कहो कि अगर मैं ये लिख के आ जाऊं कि मैग्नीशियम क्लोराइड की जो लैटिस एंथैल्पी है दैट इज लेस एंडोथर्मिक एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, तो बात तो वो भी सही है, लेकिन अभी हमें ना समझाने में मुश्किल होगी वो बात, या क्या पता हमें समझना आने में मुश्किल हो। तो हम इसको ना इन टर्म्स ऑफ मोर एक्सो और लेस एक्सो बात करते हैं, एंडो की टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं ना, पॉजिटिव की टर्म्स में बात करेंगे। या तो आप एक्सोथर्मिक की टर्म्स में बात कर लो या नेगेटिव की टर्म्स में बात कर लो, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव, क्योंकि क्योंकि लैटिस एंथैल्पी होती ही नेगेटिव है हमेशा, वो पॉजिटिव कभी होती नहीं है। तो बेटर है कि नेगेटिव के टर्म्स में बात करें या एक्सो एक्सो की टर्म्स में बात करें। समझ आई ये बात? तो आप जब भी एक्सप्लेनेशन दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि आपके पास दो आयनिक कंपाउंड्स हैं और उस कंपेयर करवा रहा है कि बताओ मोर एक्सोथर्मिक लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी, तो फिर आपको ये फैक्टर देखते हुए, साइज ऑफ आयन देखते हुए आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आप भी फिर मोर एक्सोथर्मिक लेस एक्सोथर्मिक की टर्म्स में बात कर लेना, या फिर मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव की टर्म्स में बात कर लेना। अब हमें ये बात तो समझ आ जाएगी आ गई है कि अगर साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा जैसे कि सोडियम आयन है उसका साइज बड़ा है, तो साइज ऑफ आयन जब इंक्रीज होगा तो जो लैटिस इंथैल्पी है इट बिकम्स लैटिस एंथैल्पी इज लेस एक्सोथर्मिक। या लेस एक्सोथर्मिक की जगह यू कैन ऑल्सो राइट इट बिकम्स लेस नेगेटिव। जैसे सोडियम आयन का जो साइज है इट इज ग्रेटर देन दी साइज ऑफ मैग्नीशियम आयन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में बाकी चीजें तो सेम है, सिर्फ सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन के साइज में फर्क है और चार्ज में फर्क है। तो पहले अभी हम साइज को कंपेयर कर रहे हैं, तो सोडियम आयन की जो लैटिस एंथैल्पी है वो होगी लेस एक्सोथर्मिक, मैग्नीशियम आयन की जो लैटिस एंथैल्पी एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड होगी वो होगी मोर एक्सोथर्मिक। इसको एब्जॉर्ब करो आराम से, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा बाद में समझाने में, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक्सो एक्सो की टर्म्स में बात हो रही है, कुछ लैटिस एंथैल्पी एंडो एक्सो दोनों हो सकती है।
सही है। चलो अब पहले तो मुझे ये बता, पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि अगर साइज ऑफ आइन, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, इंक्रीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब हम क्या कह रहे हैं, अभी लेस एक्सोथर्मिक होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जब भी साइज ऑफ आइन आपका बड़ा या जितना ज्यादा बड़ा होगा, अभी ना थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की और पोटेशियम क्लोराइड की। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि मोर एक्सोथर्मिक कौन होगा इसमें से, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी मोर एक्सोथर्मिक होगी, या वैल्यू नहीं याद करनी है आपको किसी भी चीज की, बस कंपेयर करना है कि मोर एक्सो कौन सी होगी लेस एक्सो कौन सी होगी। जरा सब जल्दी से अपना अपना आंसर बताओ। एहसन, आमना, माविन, फरहान, तहमीना। पोटेशियम क्लोराइड वुड बी मोर मोर व्हाट, मोर एक्सोथर्मिक। देखो ऊपर हमने ये भी चीज लिखी है ना, साइज ऑफ आयन जिसका ज्यादा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी लेस एक्सोथर्मिक होगी। पहले तो आप ये बताओ कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में डिफरेंस क्या है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। तो साइज ऑफ विच आयन इज ग्रेटर, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन? ये तो डाउन द ग्रुप आ गया ना, ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? साइज ऑफ पोटेशियम आयन इज ग्रेटर देन सोडियम आयन। यस, पोटेशियम आयन वुड बी बिगर, रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन इज ग्रेटर देन सोडियम आयन, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनिक साइज भी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि सोडियम आयन के पास जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स बनते हैं वो दो बनते हैं, लेकिन पोटेशियम आयन के पास जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल बनते हैं वो तीन बनते हैं। तो पोटेशियम आयन का साइज बड़ा होगा, और अगर पोटेशियम आयन का साइज बड़ा है तो उसकी जो लैटिस एंथैल्पी पोटेशियम क्लोराइड की होगी वो क्या होगी, लेस एक्सोथर्मिक होगी ना। हेंस लैटिस एंथैल्पी फॉर पोटेशियम क्लोराइड वुड बी लेस एक्सोथर्मिक। समझ आई बात? एहसन, माहवीन, फरहान, बेटा जवाब चाहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? माइक का प्रॉब्लम है, चैट में नहीं लिख सकते हो, क्या इशू है? कि मुश्किल चीज पढ़ रहा है, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मुश्किल होगी सुनने में। पक्की बात है? चलो अच्छा देखो, मैं ना याद करवाने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। वो फॉर्मूला हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं है, वो आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, A2 में ही पढ़ोगे। देखो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक पोटेशियम आयन है जिस पर हम कहते हैं प्लस वन चार्ज है। अभी जो प्लस वन चार्ज होता है ना, अगर मैं पोटेशियम आयन की बात करूँ ना, तो किसी भी एटम या आयन को हम एज ए स्फेरिकल मानते हैं ना, तो जो प्लस वन चार्ज है वो बेसिकली ऐसे नहीं होता कि एक जगह पे बस कंसेंट्रेटेड हो, एक जगह पे पिन पॉइंट हुआ हुआ हो, वो पूरे
जो आपका आइन है उसके ऊपर जो है ना स्प्रेड हुआ हुआ होता है लाइक दिस। अभी इसका मतलब ये नहीं बहुत सारे प्लस है, ये पूरा प्लस वन चार्ज है जो स्प्रेड हुआ हुआ है पूरे, जैसे समझ लो कि एक स्फीयर है। इस चीज को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी तो आप समझते हो ना, कम्पैक्टनेस जो होती है चीज की, जैसे आप फिजिक्स में डेंसिटी पढ़ते हो मास ओवर वॉल्यूम, अगर एक कम वॉल्यूम में ज्यादा कोई मास कम्पैक्टेड है तो इट मीन्स के वो ज्यादा डेंसर है, मोर डेंसिटी है उसकी। सिमिलरली चार्ज डेंसिटी भी ऐसा ही होता है, अगर कोई चार्ज की वैल्यू एक बड़े वॉल्यूम पे फैली हुई है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और अगर वही चार्ज की वैल्यू छोटे वॉल्यूम पे तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर हम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखें किसी भी आइन का, तो चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप आइन का साइज बढ़ाओगे, साइज बढ़ाने का क्या मतलब है, अगर हम आइन को स्फेयर मान रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है तो मतलब रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर किसी भी आयन का वॉल्यूम बड़ा होगा, और इन अदर वर्ड्स अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर हम चार्ज डेंसिटी को कंपेयर करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप सिर्फ आयनिक बॉन्ड याद कर लो। सही है, और जब चार्ज डेंसिटी आपकी कम होती है तो लैटिस एनर्जी आपकी लेस एक्सोथर्मिक होती है। चार्ज डेंसिटी और लैटिस एनर्जी का अगर रिलेशनशिप देखो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सारे रिलेशनशिप याद नहीं करने हैं, बस मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि याद आपको समझना आसान हो जाए। इसको समराइज करते हैं सारी बातों को। देखो अगर साइज ऑफ आइन इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ आइन, वॉल्यूम ऑफ आइन इंक्रीज होगा तो इट मींस के जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। जब आपकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो लैटिस एनर्जी है वो लेस एक्सोथर्मिक होगी। बस ये लाइन याद कर लो। इसी तरह इसका सब कुछ अपोजिट क्या होगा, अगर आपका साइज ऑफ आइन चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, साइज ऑफ आइन अगर डिक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी वुड बिकम मोर एक्सोथर्म। ये वाली बात है ना जो बॉक्स में बनाई है ये लिख लो, इससे सारी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा कंपेयर द लैटिस एंथैल्पी बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड्स एंड इफ यू आइडेंटिफाई दैट साइज ऑफ वन आयन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द अदर आयन, तो यू कैन एक्सप्लेन दैट एज साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर द चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर ड्यू टू विच लैटिस एंथैल्पी वुड बी मोर एक्सोथर्मिक। क्लियर है, ये बात लिख ली है नीचे जो बॉक्स बनाया है, ये बात लिख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इन सारी बातों का जो क्रक्स है ना बस वो ये बातें, और एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो हम बात कर लेंगे कि कैसे करना है। आगे बढ़ें, अच्छा जो दूसरा फैक्टर है डेट अफेक्ट्स दी लैटिस एनर्जी वैल्यू इज चार्ज ऑफ आइंस, ठीक है, इसमें कैटाइन और एनाइन दोनों की बातें कर रहे हैं हम।
अब आप बताओ, चार्ज ऑफ आयन अगर बढ़ेगा, ज्यादा होगा किसी आयन का, तो उसकी लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक होनी चाहिए या लेस एक्सोथर्मिक होनी चाहिए? मोर एक्सोथर्मिक होगी जब चार्ज ऑफ आयन इंक्रीज होगा, जिसका चार्ज ऑफ आयन बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक होगी। और रीजन क्या है? क्योंकि जब चार्ज इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा कंपैक्ट होगा चार्ज। सही है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो लैटिस एनर्जी वुड बी मोर एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर। इन दोनों चीजों को, चार्ज को और साइज को, अगर मैं एक ही फॉर्मूला में कंपैक्ट करूं तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयन। वॉल्यूम बेसिकली हम साइज की बात कर रहे हैं। तो अब आपके पास अगर साइज बढ़ेगा आयन का तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक होगी। चार्ज बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो मोर एक्सोथर्मिक। ठीक है, साथ में हमने ये भी याद कर लिया है कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक या फिर मोर नेगेटिव होती है। सिमिलरली चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कि लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक या लेस नेगेटिव होती है। ये फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री के लिए तो याद नहीं करना है, बस ये हेल्प कर रहा है आपको याद रखने के, लेकिन चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आयन। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आई। यहां तक लिख लो तो ओके कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। आप समझाओगे ऐसे एक्सप्लेनेशन में, कैटाइन और एनाइन हैज अ हायर चार्ज देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वुड बी स्ट्रॉन्गर,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है कि लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होगी। लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होने का मतलब होता है मोर एक्सोथर्मिक। ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक लिखो, इंक्रीज और डिक्रीज को अवॉइड ही करो, वो भी मुश्किल हो जाएगा बात समझाना कि इंक्रीज पॉजिटिव में इंक्रीज है या नेगेटिव में इंक्रीज है। इसी तरह जब साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो लैटिस एंथैल्पी है हमारी वो लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी। चलो अब जल्दी जल्दी से आंसर्स बता दो, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड किसकी लैटिस एनर्जी मोर एक्सोथर्मिक होगी? मैं पूछ रहा हूँ विच वन इज मोर एक्सोथर्मिक, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड? आंसर सबको बताना है। आई एम आस्किंग विच अमंग सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड लैटिस एनर्जी वुड बी मोर एक्सोथर्मिक, और विच आयनिक कंपाउंड इज मोर एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी? बस ये पूछ रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड की मोर एक्सोथर्मिक होगी या सोडियम ब्रोमाइड की मोर एक्सोथर्मिक होगी? देखो कंपेयर क्या करोगे क्या इन दोनों आयनिक कंपाउंड में चार्ज का कोई डिफरेंस है? सोडियम आयन +1 है, क्लोराइड आयन -1 है। सोडियम ब्रोमाइड में सोडियम आयन +1 है, ब्रोमाइड आयन -1। देखो सोडियम आयन तो दोनों में सेम है, कॉमन है, तो उसको तो डिस्कस करने का फायदा नहीं है। हम अभी किन दो आयन्स को कंसिडर करेंगे, क्लोराइड आयन को और ब्रोमाइड आयन को, क्योंकि वही डिफरेंट है ना इन दोनों आयनिक कंपाउंड में। अब आप ये बताओ कि चार्ज डेंसिटी क्लोराइड आयन की ज्यादा है या ब्रोमाइड आयन की ज्यादा है? कैसे देखोगे इनके चार्ज? देखो दो चीजें देखनी है ना, या तो इनका साइज देखोगे या इन पे चार्ज देखोगे। अब क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन दोनों पे चार्ज -1 होता है, तो चार्ज तो सेम है दोनों का, तो आप इनका साइज कंपेयर करोगे तो क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है या ब्रोमाइड आयन का साइज बड़ा है? हम ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं करो, अभी आप बात करोगे साइज की और चार्ज की, ये रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, ये तो आयनिक कंपाउंड बना हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। देखो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आयनिक साइज भी इंक्रीज होगा। अगर हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही है ना, तो विच आयन वुड बी बिगर इन साइज, ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन? चार्ज को तो कंपेयर करना है नहीं इनका क्योंकि सेम है, हम सिर्फ साइज को ही कंपेयर करेंगे। एंड ब्रोमाइड आयन इज बिगर देन क्लोराइड आयन, साइज किसका बड़ा है? ब्रोमाइड आयन का बड़ा है ना। आंसर तो बताओ फिर हम मैं समझाता हूँ ना, ये साइज जो है वो ब्रोमाइड आयन का बड़ा है, तो साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? लेस एक्सोथर्मिक होगी। अब मोर एक्सोथर्मिक किसकी होगी फिर? सोडियम क्लोराइड की, दिस इज मोर एक्सोथर्मिक। एस साइज ऑफ क्लोराइड आइन इज स्मॉलर देन ब्रोमाइड आइन, समझ आई बात? सोडियम ब्रोमाइड वुड बी लेस एक्सोथर्मिक एंड सोडियम क्लोराइड वुड बी मोर एक्सोथर्मिक। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ कंपेयर लैटिस एनर्जी बिटवीन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम। अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, चलो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम क्लोराइड को तो डिस्कस कर नहीं रहे। अब बचा मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन,
मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन में साइज का भी डिफरेंस है और चार्ज का भी डिफरेंस है। अगर हम साइज को देखें तो मैग्नीशियम आयन का साइज जो है वो स्मॉलर है देन सोडियम आयन, और अगर हम चार्ज की बात करें तो मैग्नीशियम आयन का चार्ज ग्रेटर है देन सोडियम आयन। देखो बच्चों, चार्ज अगर बढ़ रहा है ना मैग्नीशियम आयन की अगर हम बात करें तो इसका चार्ज ग्रेटर है, ठीक है, और चार्ज जब बड़ा होता है तो मोर एक्सोथर्मिक होती है, और साइज जब स्मॉलर होता है तो मोर एक्सोथर्मिक होगी। इसका चार्ज भी ग्रेटर है और साइज जो है वो स्मॉलर है, तो दोनों चीजों की वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी होगी डेट वुड बी मोर एक्सोथर्मिक। जमीना समझ आई बात? चलो एक काम करो, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये शुरू में। लेट्स अब सोच के बताना, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले तो वो देख लो जो चीजें डिफरेंट है दोनों में। डिफरेंट क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में? क्लोराइड क्लोराइड तो दोनों में सेम है, तो उनको तो कंपेयर करने का फायदा नहीं है। बचा क्या? मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। अब मैग्नीशियम भी ग्रुप टू का है, कैल्शियम भी ग्रुप टू का है, ऐसा ही है ना? मैग्नीशियम पे चार्ज जो है वो टू पॉजिटिव है और कैल्शियम आयन पे चार्ज जो है वो भी टू पॉजिटिव है, तो चार्ज तो दोनों के सेम है, तो चार्ज तो कंपेयर करने का फायदा नहीं है क्योंकि सेम है ना। अब बचा क्या है? साइज बचा। अब साइज किसका बड़ा है, मैग्नीशियम आयन का बड़ा है या कैल्शियम आयन का बड़ा है, पहले वो डिसाइड करो। तो मैंने लिख दिया गलती से, साइज किसका बड़ा है, मैग्नीशियम आयन का या कैल्शियम आयन का? ग्रुप टू है, ग्रुप टू में डाउन द ग्रुप कौन आता है? ग्रुप टू स्टार्ट होता है आपका बेरिलियम से, बेरिलियम है पहला मेटल पे, मैग्नीशियम है पे, कैल्शियम है। तो कैल्शियम आयन का जो साइज है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम आयन की अगर हम साइज की बात करें तो उसका साइज ज्यादा है, और साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी जो होगी वो लेस एक्सोथर्मिक होगी, तो लेस एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी कैल्शियम क्लोराइड की होगी, तो मोर एक्सोथर्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड की होगी। आई अब बात? एहसन, अली, अली अली आ गया, तहमीना, माविन, आमना, अच्छा तहमीना, कौन सी बात समझ नहीं आई है इसमें से? देखो जब भी आप दो आयनिक कंपाउंड के बीच में लैटिस एनर्जी को कंपेयर करोगे तो पहले तो आप ये देखोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में जो डिफरेंस है वो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन का है, क्योंकि क्लोराइड आयन तो दोनों में सेम है, दोनों में ही है क्लोराइड आयन, तो आप कंपेयर करोगे मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन को। जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर क्या करोगे दोनों में, इन दोनों के चार्जेस को कंपेयर करोगे और इन दोनों के साइजेस को कंपेयर करोगे। अब क्योंकि दोनों ही ग्रुप टू के हैं, मैग्नीशियम भी ग्रुप टू का है, कैल्शियम भी ग्रुप टू का है, तो दोनों का चार्ज तो सेम है। अब जब सेम है तो कंपेरिजन तो कर नहीं सकते ना, डिफरेंट होगा कुछ तो कंपेयर करेंगे। तो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन का चार्ज तो सेम है, तो चार्ज तो डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा लैटिस एनर्जी में। अब रह गया इनके साइजेस, और साइज कैसे कंपेयर करेंगे मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के, क्योंकि दोनों ग्रुप टू में है और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज हमेशा इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है और कैटायनिक या एनायनिक साइज भी इंक्रीज होता है। तो कैल्शियम जो है वो ग्रुप टू में नीचे है मैग्नीशियम से, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन का साइज है वो बड़ा होगा, मैग्नीशियम आयन का साइज छोटा होगा। तो हमें ये समझ आ गई बात कि जो कैल्शियम आयन का साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन। अब आपको जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखवाई है कि साइज को अगर देखते हैं तो साइज अगर बड़ा होता है, ये वाली बात कर रहा हूं, अगर साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक होगी,
कैल्शियम आयन का साइज बड़ा है, तो कैल्शियम क्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी होगी वो लेस एक्सोथर्मिक होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड। सही है तमिना, तो कैल्शियम आयन का साइज मैग्नीशियम आयन से बड़ा है, इसकी वजह से इसकी लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक हो, तो मोर एक्सोथर्मिक मैग्नीशियम क्लोराइड की हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब कुछ? चलो, अब इसका हैंडआउट भेजा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक बार उसको पढ़ लेना, कुछ चीजें याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये ज्यादातर थ्योरेटिकल काम है हमारे पास सारा। पास्ट टेबल मैं खुद करवाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज।